सो एज़ आई प्रोमिस्ड लास्ट वीडियो में उदयपुर के बोला था ना एक नई ट्रिप के साथ आ रहा हूँ। सो या आई एम हियर, आई एम बैक विद अ न्यू ट्रिप। ट्रेलर आपने देखा होगा, इट्स बीर बिलिंग्स हिमाचल प्रदेश। तो या ये थी 3-4 दिन की ट्रिप, शॉर्ट ट्रिप बट फुल ऑफ एक्साइटमेंट, फुल ऑफ एडवेंचर। सो हेलो एंड वेलकम टू ट्रेवल डायरीज विद प्रिंस। तो या अराउंड इवनिंग में मैंने जर्नी स्टार्ट की, 12 or 13 hours का रास्ता था यहाँ से फ्रॉम दिल्ली टू बीर। डेस्टिनेशन पॉइंट बीर टिबेटन कॉलोनी में ही था, जो कम्प्लीटली हम मेरे हॉस्टल जो मैंने बुक किया था उसके विद इन द डिस्टेंस ऑफ 500 meters जस्ट। सो या ये रास्ता मॉर्निंग पूरा रात ट्रेवलिंग किया, मॉर्निंग में सनराइज़ देखा बस से ही, एंड देन आई रीच ये बस स्टैंड था यहाँ से। यहाँ से मैंने सोचा पहले हॉस्टल चला जाए या फिर दूसरा ऑप्शन था या फिर कैफे ट्राई किया जाए, तो ऑब्वियसली फूड तो फर्स्ट चॉइस, पहले उधर ही जाया जाए। चल दिया मैं उधर ही, एंड जो व्यूज़ आ रहे थे, एंड यू नो द पीर इज़ द यू नो पैराग्लाइडिंग कैपिटल ऑफ इंडिया, इंडिया का हाईएस्ट पैराग्लाइडिंग स्पॉट है एंड वर्ल्ड का सेकंड हाईएस्ट। तो मैं तो रास्ते में देखता ही जा रहा था, एंड आई वाज लाइक मेरा कब चांस है। पहला कैफे मैंने जो यहाँ पे एक्सप्लोर किया, इट वाज एवर्स कैफे, सजेस्ट किया था बहुत लोगों ने ये वाला। सो इट्स फॉर साउथ इंडियन फूड, इफ़ यू वांट टू ट्राई जस्ट गो टू एवर्स कैफे, एंड सो गुड द यू नो द एम्बियंस, द फूड and the vibes at that place, it was so nice. And then मैंने थोड़ा बहुत इधर उधर एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया, एंड देन फिर अपना पहुँचा अपने हॉस्टल में। रास्ता था यहाँ से अराउंड 1 kilometer, एवर्स कैफे से ऊपर हॉस्टल जो था मेरा वो था 1.20 kilometers। सो आई वॉज लाइक ठीक है एक वॉक लेते हैं टिबेटन कॉलोनी जहाँ पे कैफेज है सारे, उसके साथ साथ चलते हुए देखते हैं क्या मिलता है अपने रास्ते में। ये पहुँचा मैं अपने हॉस्टल, एंड पहुँच के सामान रखा है निकल पड़ा मैं। सो ड्राइवर तो सोलो था, एंड मिल गए मुझे वहाँ पे कुछ यार बड़ी सपने। सो सोलो में भी कोई इशू नहीं था, मज़ा था, घूमना तो फिर भी था, मैं जैसे जाते रहता हूँ, बट वो लोग मिले एडवेंचर में यू नो एक अलग ही मज़ा आ गया। जहाँ भी गए जितने प्लेसेस पे गए, एंड इट वॉज सो फन। चल दिए आगे रास्ते की ओर अपना पहला स्पॉट जो था कुनेहार वाटरफॉल। सो वहाँ पे से कुछ डिस्टेंस पे था ऊपर से हाफ एन आवर 45 minutes तो दूर। हमने ली वहाँ से स्कूटी, एंड द चार्ज ऑफ स्कूटी इज़ अराउंड 600 to 700 पर पर्सन, डिपेंड्स बाइक का अपना 1200 होता है वहाँ पे। पहले दो थे हम, दो स्कूटी पे जा रहे थे हम, तो रास्ते में दो और मिले, फिर अपन पांच लोग चल दिए। फर्स्ट डे, दिस इज़ डे 1 बीर। तो यार यू वांट टू सी दिस व्यू, सी द वैलीज, पूरा ट्री और ये सब रास्ता ऐसा हो रहा था लाइक यू नो इट पिक्चर्स लोकेशन, जैसे मूवी की लोकेशन आ रहे, पूरा ऐसे ब्राउन है ट्रीज, लंबे लंबे ऐसे पेड़ एंड माउंटेन रेंज, क्लियर रोड बिल्कुल सीधा एंड क्लियर रोड। तो यार थोड़ा बहुत शूट तो बनता है अपना भी। जो बीच में जाके हमें राइड की हेल्प लेनी पड़ती है, जो आप देखने वाले हो आके, पहले हमने सोचा हम ऐसे चले जाएंगे जैसा हमें दिख रहा था। हम सारे चल दिए यहाँ से, कुछ लोकल भी मिले, उनसे बातचीत हो रही थी कि यार क्या मिलने वाला है, कैसा रास्ता है सब। बहुत स्लिपरी रास्ता था पूरा, मर्ड और ऐसे थोड़ा बहुत बीच में वो छोटा छोटा रास्ता आ रहा था जिससे हमें नीचे उतरना था। तो फिर यहाँ से पानी वाला स्टार्ट हुआ, यहाँ पे 2-3 कैफेज़ भी थे, सो वहाँ पे हमने अपना सामान रखा, शूज़ उतारे, एंड देन पानी वाले ट्रैक पे चल पड़े। ये था मेन एडवेंचर, अभी तक जितना ट्रैक हुआ था ये नॉर्मल था, जो यहाँ से स्टार्ट होगा वो होगा यू विल सी वन ऑफ द बेस्ट ट्रैक आई हैव डन टिल नाउ। तो पानी के थ्रू जाना था, कम्प्लीटली पानी के अंदर से, कोई रास्ता नहीं था हमें पूरा। ये जितना भी यहाँ से लेके जितना भी डिस्टेंस था आके 500 meters 600 meters वो सारा पानी के थ्रू जा रहा था। तो साथ साथ में वन मोर थिंग, साथ में हमारे राइड भी चल रहा था, उसको पहले से पता था ये नहीं जा पाएंगे, वो बंदा हमारे साथ पूरे रास्ते चलता रहा।
तो फिर यहाँ से स्टार्ट हुआ वो जो रास्ता, जिसके लिए हम इतने टाइम से जो हमारे साथ राइड चल रहा था, हम उसको बोल रहे थे नहीं लेना नहीं लेना, ये था वो रास्ता, ये था वो पर्टिकुलर स्पॉट, इतना बड़ा पत्थर था देखने में, क्या चढ़ जाएंगे इस पर, तो नॉर्मल सा है, इसमें क्या है। और जब हमने सोचा अपने आप चढ़ते हैं, दोनों सा नीचे से सहारा दिया, ऊपर से चढ़ ही नहीं पा रहे, स्लिप होते जा रहे इतना, और ये स्टीप था, बड़ा था पत्थर था ये। आप देख रहे लोग, जो भी लोग ऊपर से उतर रहे थे या जा रहे थे ना, वो राइड एक्टिविटी जा ही नहीं पा रहे थे। तो हमने भी एक फिट राइड लेना पड़ा, एंड उसकी हेल्प से हमने पहला पत्थर पार किया, और ऐसे दो या तीन पत्थर थे वहाँ पे। नैरो बीच बीच में कुछ नैरो रास्ता आया, स्लिपरी था पानी, और फिर जब इतना सब पार किया, एंड देन वी सी दिस, कैन यू सी दिस वाटरफॉल, दिस कुनेहर वाटरफॉल, पानी कितना क्लियर, क्रिस्टल क्लियर पानी, एंड कितना पानी, पानी एकदम इतना तेज फ्लो में आ रहा है इतना ऊपर से, मैन दिस इज जस्ट ऑसम, मज़े ही आ रहे हैं यहाँ पे। पहले मैं सोचा वहाँ पे डिप लिया जाए, बट यार ये तो धूप नहीं थी, और दूसरा इतना इतना ठंडा पानी हो रहा था, तो भाई अंदर हिम्मत ही नहीं हो पाई वहाँ पे। फिर चले वापस, एंड वही सेम पोजीशन, पत्थर से नीचे राइट नहीं उतारा हमें, हम अपने आप तो जा ही नहीं पा रहे थे। सो उसने वन बाय वन सबको ऐसे धीरे 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 सबको नीचे डाल दिया स्टोन्स पे से, कि जाओ कि चलो। और फिर राइड ने जो फिर अपना चार्ज मान रहा हमसे, डेट वाज, उसको देख के तो हमें लगा यार इससे तो हम पत्थर से ही वापस चले जाते। वो बोलता है 200 पर पर्सन। ठीक है, फिर रास्ते में आए, टाइट और एडवेंचर स्पोर्ट था यहाँ पे, यहाँ पे होता है, यहाँ पे बंजी जंपिंग एंड ऑल एडवेंचर स्पोर्ट बनाया हुआ था, बट उस टाइम फिर अंधेरा होने वाला था और अपने को वापस भी जाना था, तो सोचा फिर नहीं कि विल ट्राई नेक्स्ट डे, अभी वापस सीधा अपने हॉस्टल साइड चला जाए, नहीं तो फिर सनसेट पॉइंट पे, और उधर कहीं अपना बीर में ही कहीं देखे मेन अपने हॉस्टल नियर बाय। चलते ही अपने रास्ते में कुछ शूट लिए अपना स्लोमो, जब पांच लोग मिल जाए और सब सबकी वाइब्स मैच हो रही है, तो ये से तो नॉर्मल है, फिर तो होना ही था। फिर अपने बार बार रास्ते में, ये जो आप देख रहे हैं ना रास्ता चलते हुए, हम यहाँ पे इतना स्टॉपेज लिए, हमने इतने स्प्रेट लिए, जहाँ भी देखता थोड़ा बहुत डिफरेंट आ रहा है, चलो फोटो लेते हैं वीडियो लेते हैं। इट वॉज नेट्स लेवल, मज़ा आया वहाँ पे बहुत। ये देखो मतलब यहाँ भी रुक रही स्कूटी, हमने पार्क की, कुछ नहीं था, बस एक व्यू था थोड़ा बहुत, पेड़ इतने अच्छे आ रहे थे ऊपर से, तो पूरा ब्राउनिश हो रहा था ऊपर, ट्रीज लंबे लंबे ऐसे, और ये माउंटेन्स, एक व्यू डिफरेंट ही व्यू आ रहा था, तो सोचा साइड में रोको भाई। और जब रास्ते में से बीच में से जा रहे थे यार, वो तो मज़े ही आ गए उस पर, वहाँ पर ड्राइव करना, इट वॉज सो ऑसम। तो अब यहाँ से निकले, फिर रास्ते में धूप आई, तो सोचा चलो एक बीच में प्लेस पड़ता है, एक और कुछ एक मोनेस्ट्री थी वहाँ पे, सो शेरा बिल्ला, तो सोचा वहीं पे चला जाए, वो भी रास्ते में है, तो रास्ते में देखते हुए ही निकले उसको, वरना फिर वापस आना पड़ेगा इधर। तो फिर आए शेरा ब्लिन मोनेस्ट्री, ये वहीं पर ही थी, इट वॉज़ वन ऑफ द ब्यूटीफुल मोनेस्ट्री इन बीर। तो आप जाना, बड़ी है और अच्छा है, बहुत मस्त अच्छा व्यूज है अंदर से, एंड काम पीसफुल। तो
हमने वहाँ थोड़ा टाइम स्पेंड किया, हमने उनका प्रेयर स्टार्ट होने वाली थी। It was beautiful monastery. सो ये सब प्लेसेस जितने भी हमने देखे या फिर जो आ रहे हैं, दीज आर ऑल पार्ट ऑफ यू नो द मस्ट विजिट प्लेसेस इन बीर। जाओ तो ज़रूर इन प्लेसेस पे जाना। फिर वहाँ से निकले कि चलो अपना वापस बीर की साइड चले अब, और फिर वहाँ से डायरेक्टली हम पहुँचे द पैराग्लाइडिंग स्पॉट, जहाँ पे लैंडिंग होती है। पैराग्लाइडिंग लैंडिंग स्पॉट है, वहाँ पे हमने पहुँचा। वहाँ पे थोड़ा सनसेट देखने के लिए बैठे, बट क्लाउडी हो रहा था पूरा, तो पूरा ऐसा व्यू नहीं आ रहा था। वहाँ पे थोड़े टाइम बैठे, 15-20-25 मिनट्स थोड़ा बहुत बातें बातें हुई, अपना सोचा चलो यार कुछ और एक्सप्लोर किया जाए। वापस चेंज किया एंड देन रात में डिनर ले आए। वहाँ पे बीर में यू विल फाइंड नंबर ऑफ क्रैफ्ट। अब आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से।